सियाह रंग की लेमोजीन कार होटल आलीशान के कंपाउंड गेट में दाखिल हुई। उसे आगे और उसके पीछे एक एक जीप थी, जिसमें चार चार मसला अफराद बड़े चौकने अंदाज में बैठे हुए नजर आ रहे थे। जीपें और कार होटल के मेन गेट के सामने से गुजरती हुई होटल के साइड से होकर अगली तरफ पहुँच कर रुक गईं और फिर आगे पीछे मौजूद जीपों में से मशीन गन्नों से मसला लंबे तड़ंगे अफराद उछल कर नीचे उतरे और कार के गिर्द फैलते चले गए। कार के दरवाजे उसी तरह बंद थे और कलर शीशों की वजह से अंदर कुछ नजर ना आ रहा था। उसी लम्हे होटल की अकबी दीवार में मौजूद एक बंद दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी जिसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था बाहर आ गया। उसके सीने पर सफेद रंग का चमकदार कार्ड लगा हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार का अकबी दरवाजा खोला और तेजी से कार के अंदर गायब हो गया। उसके साथ ही कार का दरवाजा दोबारा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही आदमी बाहर आ गया। उसके पीछे एक और लंबे कद और बारी जिस्म का गैर मुल्की बाहर आ गया, जिसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था। उसने हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। इस गैर मुल्की के बाहर आते ही मशीन गन बरदार इंतहाई चौंकने नजर आने लगे। गैर मुल्की ने एक तहराना नजर माहौल पर डाली और फिर दरवाजे से बरामद होने वाले आदमी के साथ चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इन दोनों के पीछे मशीन गनों से मुसला चार अफराद बड़े चौंकने अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़े, जबकि बाकी चार मुसला अफराद वैसे ही वहां खड़े रहे। दरवाजे की दूसरी तरफ एक तवील राहदारी थी, जिसका इख्तिताम एक बड़े हालनुमा कमरे में हुआ। कमरे में दीवारों के साथ मशीन गनों से मुसला अफराद बड़े चौंकने अंदाज में खड़े थे। कमरे में सोफे आमने सामने रखे हुए थे, जिनके दरमियान एक बड़ी सी मेज थी। एक सोफे पर एक उधेड़ उम्र लेकिन बारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसके दोनों अतराफ में एक खूबसूरत लेकिन नीम उरियान लड़कियां बैठी हुई थी। गैर मुल्की जैसे राहदारी क्रॉस करके कमरे में दाखिल हुआ, सोफे पर बैठा हुआ उधेड़ उम्र उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही उसके अतराफ में बैठी हुई दोनों लड़कियां भी उठकर खड़ी हो गईं। खुश आमदेद मिस्टर बर्क, मेरा नाम असलम किंग है। उधेड़ उम्र आदमी ने आगे बढ़कर गैर मुल्की का इस्तकबाल करते हुए कहा और साथ ही मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। आपसे मुलाकात की बेहद ख्वाहिश थी मिस्टर किंग, बर्क ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उन्होंने बड़े गर्म जोशाना अंदाज में मुसाफिर किया और वो दोनों सोफों पर आमने सामने बैठ गए। बर्क के साथ आने वाले मशीन गन बरदार उसके सोफे पर बैठते ही उसके पीछे खड़े हो गए, जबकि कमरे में पहले से मौजूद मुसला अफराद सिमट कर असलम किंग के पीछे आकर खड़े हो गए थे। मेहमान को शराब पेश की जाए, असलम किंग ने कहा। तो एक लड़की तेजी से चलती हुई कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ गई। वहां मेज पर शराब की दो बोतलें और जाम रखे हुए थे। उसने शराब की एक बोतल खोली और बोतल में मौजूद शराब से दो जाम भरे और जाम ट्रे में रख कर वो मुड़ी और फिर उसने करीब आकर एक जाम बर्क के सामने और दूसरा जाम असलम किंग के सामने रखा और ट्रे लेकर वापस चली गई। लीजिए, असलम किंग ने बर्क से कहा और बर्क ने शुक्रिया अदा करते हुए जाम उठाया और चुस्की लेकर वापस मेज पर रख दिया। मेरा ख्याल है 7 साल डील मुकम्मल हो जानी चाहिए, बर्क ने कहा। अच्छा, क्या आप सोना ले आए हैं, असलम किंग ने कहा। जी हाँ, बर्क ने कहा और उसने ब्रीफकेस उठाकर मेज पर रखा और उसे खोल दिया। ब्रीफकेस में सोने की बेशुमार डलियां तरतीब से रखी हुई थीं। आप चेक कर लें, ऐसा ही माल बाकी ब्रीफकेसों में होगा, बर्क ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे कामों में एतमाद असल चीज होती है और आपसे चूंकि पहली डील है इसलिए जाहिर है आप पर एतमाद करेंगे तो आगे भी काम होता रहेगा, असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
और उसके साथ ही उसने साथ बैठी हुई लड़की को इशारा किया तो वो सर हिलाती हुई उठी और तेज तेज कदम उठाती कमरे की अकबी दीवार की तरफ पड़ गई। उसने दीवार पर एक मखसूस जगह पर हाथ रखकर दबाया तो सरर की तेज आवाज के साथ ही दीवार का एक हिस्सा साइड में सरक गया। अब दीवार के अंदर एक सेफ मौजूद था। लड़की ने सेफ खोला और उसमें मौजूद एक लिफाफा उठाकर उसने सेफ बंद कर दिया, लेकिन उसने दीवार बराबर ना की और लिफाफा उठाए वो वापस पलटी और आकर उसने लिफाफा बराए रास्त पर्क के हाथ में दे दिया। इसमें 50 करोड़ रुपए का गारंटेड पे ऑर्डर है, चेक कर सकते हैं, असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप हम पर एतमाद कर सकते हैं तो हमें तो बाहर हाल पहले से ही आप पर एतमाद है, बर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। इस एतमाद का शुक्रिया, असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक हाल कमरे में एक धमाका हुआ और उसके साथ ही नीले रंग का गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। ये क्या हुआ, असलम किंग ने चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन पर से आप पर्दा सा खींचता चला गया और उसके तमाम एहसासात खत्म होकर रह गए। फिर जब उसके जहन में रोशनी हुई तो उसकी आंखें बेख्तियार खुल गईं और उसके साथ ही उसके जहन में सबका मंजर किसी फिल्म की तरफ घूम गया और वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने होश में आते ही महसूस कर दिया था कि उसके दोनों हाथ अकब में करके बांधे गए थे और उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे, लेकिन वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गर्दन घुमाई तो वो एक बार फिर चौंक पड़ा। क्योंकि उसके साथ ही सोफे पर बर्क भी उसी तरह बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसका जिस्म ढीला था और गर्दन भी ढलकी हुई थी। सामने मेज पर सोने से भरा हुआ ब्रीफकेस और पे ऑर्डर वाला लिफाफा दोनों मौजूद थे, जबकि कमरे में एक नौजवान और खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था। तुम कौन हो और मेरे साथी कहाँ हैं, असलम किंग ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरा नाम अच्छी तरह जहन में बिठा लो असलम किंग, मेरा नाम रोजी रास्कल है। तुम्हारे मसला अफराद और तुम्हारी दोनों औरतें बेहोशी के आलम में साथ वाले कमरे में मौजूद हैं। मैं चाहती तो उन सबको गोलियों से उड़ा देती, लेकिन मैं अम काना कत्लो गारत की कायल नहीं हूं। मैं ये डील का सोना और रकम लेने आई थी वो ले जा रही हूँ। ये ब्रीफकेस और बाहर कार की डिग्गी में मौजूद दूसरे ब्रीफकेसों समेत तुम्हारे पास रकम की कमी नहीं है, इसलिए तुम आसानी से अपने गैर मुल्की कारोबारी दोस्त को रकम दे सकते हो, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे दो आदमी जिनके चेहरों पर निकाब थे अंदर दाखिल हुए। अरे इसे तुमने होश दिला दिया, ये तो बुरा हुआ, अब तो इसे हलाक करना पड़ेगा। इनमें से एक ने असलम किंग को देखते ही चौंककर कहा और साथ ही जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। नहीं मत मारना इसे, मैंने इसे और इसके साथियों को जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। ये जिंदा रहेगा तो आइंदा भी डील होती रहेगी और आइंदा के लिए भी हमारा सपोर्ट बनता रहेगा, रोजी रास्कल ने कहा। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक आदमी है रोजी, ये जिंदा रह गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इस आदमी ने कहा। फिक्र मत करो, रोजी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है और तुम्हें ये जानता नहीं है, इसलिए अगर ये कोई हरकत करेगा तो बाहर हाल मेरे खिलाफ ही करेगा और मैं खुद ही इसे संभाल लूंगी। तुम माल उठाओ और चलो, रोजी रास्कल ने कहा। तो दोनों निकाबपोशों ने आगे बढ़कर मेज पर मौजूद सोने से भरा हुआ ब्रीफकेस और लिफाफा उठाए और तेजी से वापस मुड़ गए। बाहर जो लोग मौजूद थे उनका क्या हुआ, रोजी रास्कल ने पूछा। वो भी बेहोश पड़े हुए हैं, उसी निकाबपोश ने जवाब दिया। ओके तुम जाओ,
मैं आ रही हूँ, रोजी राजकल ने कहा और वो दोनों आदमी तेजी से वापस मुड़ गए। मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इसलिए जिंदा छोड़ दिया है कि तुम बहरहाल एक बड़ी पार्टी हो और बड़ी पार्टी से टकराते हुए मुझे लुत्फ आता है। अगर तुम मुझ पर हाथ डालोगे तो फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि रोजी रास्कल क्या हैसियत रखती है। खुदा हाफिज। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अकब में इस तरह बंधे हुए हैं कि अगर तुम दोनों हाथों को मुखालिफ सिमतों में झटके दोगे तो चंद झटकों के बाद ये खुद ही खुल जाएंगे, रोजी रास्कल ने कहा और तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई उस दरवाजे में गायब हो गई जिधर से बर्क और उसके साथी अंदर आए थे। असलम किंग ने अपने दोनों हाथों को मुखालिफ सिमतों में झटके देने शुरू कर दिए और फिर वाकई चंद लम्हों बाद उसके दोनों हाथ आजाद हो गए। तो उसने बिजली की सी तेजी से झुक कर अपने पैर खोले और फिर खड़े होकर वो दौड़ता हुआ दीवार में मौजूद सेफ की तरफ बढ़ गया। सेफ के पट उसी तरह बंद थे। उसने सेफ खोला और निचले खाने में मौजूद एक कार्डलेस फोन उठाकर उसने बटन दबाकर उसे ऑन किया और फिर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मार्टन बोल रहा हूं। रब्ता कैम होते ही एक आवाज सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूं मार्टन। फौरन अपने आदमी लेकर होटल आलीशान के स्पेशल हॉल में पहुंचो, अभी और इसी वक्त। खुफिया दरवाजे से आना, जल्दी पहुंचो, असलम किंग ने कहा और उसके साथ ही उसने फोन ऑफ किया और फिर उसे मेज पर रखकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां से रोजी रास्कल और उसके साथी बाहर गए थे। रादारी क्रॉस करके जब वो अकबी गली में आया तो वहां से रंग की लेमोजीन कार और दोनों जीपें मौजूद थीं, जबकि एक जीप में चार मसला अफराद बेहोश पड़े हुए थे। लेमोजीन कार की डिगी खुली हुई थी और अंदर से ब्रीफकेस गायब थे। असलम किंग ने होंठ पींच लिए। थोड़ी देर बाद दो कारें तेजी से मुड़कर उस दरवाजे की तरफ आईं। कारें रुकते ही उनके दरवाजे खुले और आठ मुस्लह अफराद तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक तेजी से दरवाजे पर खड़े असलम किंग की तरफ पड़ा। क्या हुक्म है बॉस? आने वाले ने करीब आकर कहा। आओ मेरे साथ और अपने आदमियों को भी ले आओ, असलम किंग ने मुड़ते हुए कहा और उस आदमी ने अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद वो उसी कमरे में दोबारा पहुंच गए। देखो मार्टन, ये बर्क है, इसके साथ मेरी पहली बार डील हुई है, लेकिन कोई रोजी रास्कल और उसके आदमियों ने इस डील पर छापा मारा है। तुम जानते हो रोजी रास्कल को? असलम किंग ने कहा। नाम तो सुना हुआ है लेकिन जानता नहीं हूं, लेकिन वो यहां कैसे पहुंच गई? मार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारी साख दांव पर लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि बर्क और उसके साथियों को उठाओ और पॉइंट नंबर 3 पर पहुंचा दो, मैं वही जा रहा हूं। उसके बाद अपने आदमियों को होश में ले आना और फिर तुम मेरे पास पहुंच जाना, असलम किंग ने कहा। ठीक है बॉस, मार्टन ने जवाब देते हुए कहा और असलम किंग तेजी से कमरे के एक कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद असलम किंग एक कलर्ड शीशों वाली कार में बैठा हुआ तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसके चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी के तसरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद उसकी कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई और फिर उसने कार एक साइड रोड पर मोड़ दी और इस साइड रोड से गुजरकर एक फार्म नुमा इमारत के गेट पर पहुंच गया। गेट बंद था। असलम किंग ने 3 बार कार का हॉर्न बजाया तो फाटक खुला और एक मकामी नौजवान बाहर आ गया। उसने जब ड्राइविंग सीट पर असलम किंग को बैठे हुए देखा तो उसने चौंक कर उसे सलाम किया। फाटक खोलो जीवन, असलम किंग ने कहा। यस बॉस, इस नौजवान ने कहा और तेजी से मुड़कर फाटक के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो असलम किंग ने कार आगे बढ़ाई और थोड़ी देर बाद कार एक वसीउ अरीज पोर्च में जाकर रुक गई
और असलम किंग नीचे उतर आया। वो नौजवान जिसने फाटक खोला था, फाटक बंद करके अब फोर्ज की तरफ आ रहा था। जीवन मार्टन और उसके आदमी एक गैर मुल्की और उसके साथियों को लेकर आ रहा है। इस गैर मुल्की को स्पेशल रूम में और उसके साथियों को गेस्ट रूम में लिटा देना और फिर मुझे इतला देना, मैं ऑफिस में हूँगा, असलम किंग ने जीवन से कहा। यस बॉस, जीवन ने जवाब दिया और वापस फाटक की तरफ मुड़ गया, जबकि असलम किंग तेज तेज कदम उठाता इमारत के अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गया। मेज के पीछे मौजूद रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठकर उसने सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ग्रेट फॉल क्लब। रात तक अहम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। क्रिस्टाइन से बात कराओ, मैं असलम किंग बोल रहा हूँ, असलम किंग ने खुश्क लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्रिस्टाइन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ क्रिस्टाइन, असलम किंग ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ₹50 करोड़ का गारंटेड पे ऑर्डर पॉइंट 3 पर अभी और इसी वक्त पहुंचाओ, असलम किंग ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो असलम किंग ने हाथ मारकर क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जाबिर गेम क्लब। रब्ता कैम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ, जाबिर से बात कराओ, असलम किंग ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जाबिर बोल रहा हूँ किंग साहब, हुक्म, कैसे याद फरमाया है? चंद लम्हों बाद एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। किसी रोजी रास्कल को जानते हो, असलम किंग ने कहा। रोजी रास्कल को? हाँ जानता हूँ, क्यों? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जाबिर के लहजे में हैरत थी। कौन है ये? असलम किंग ने होंठ चबाते हुए कहा। रोज क्लब की मालिका है, पेशावर कातला भी है और मार्शल आर्ट की भी माहिर है, लेकिन आजाद ख्याल और बेपाक सी लड़की है, जाबिर ने जवाब देते हुए कहा। मेरी एक गैर मुल्की पार्टी से होटल आलीशान के स्पेशल रूम में एक खसूसी डील थी कि इस लड़की ने वहां बेहोश कर देने वाली गैस का धमाका किया और मुझे बेहोश कर दिया गया। जब मैं होश में आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गैर मुल्की भी मेरी तरह ही बंधा हुआ था, लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि इस लड़की ने ना ही मेरे किसी आदमी को हलाक किया और ना ही मेरे गैर मुल्की मेहमान के किसी आदमी को कुछ कहा, बल्कि उसने मुझे बाकायदा अपना नाम बताया और डील के बैग लेकर चली गई। हालांकि वो चाहती तो सबको हलाक कर देती। मैं इस बात पर बेहद हैरान हूँ, आखिर ये चक्कर क्या है? क्या इस लड़की के पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी वजह से ये इस हद तक दलेर है, या बाहर की कोई पार्टी है? असलम किंग ने कहा तो दूसरी तरफ से जाबिर बेख्तियार हंस पड़ा। ओह, तो ये डील आप कर रहे थे, मुझे मालूम न था, वरना मैं पहले ही इस कार्रवाई को रोक देता। मैं आपको बताता हूँ, ये कार्रवाई राजर ग्रुप की है। उसने मुझसे पूछा था कि रोजी रास्कल एक डील के बारे में काम करने वाली है, लेकिन उसका ताल्लुक टाइगर से है, इसलिए वो मशकूक है, क्योंकि टाइगर का ताल्लुक हकूमत से है। मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि ये कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है, जाबिर ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या रोजी रास्कल राजर के लिए काम करती है? असलम किंग ने हैरान होते हुए कहा। ये राजर की मुखबर है और उसके साथ जो आदमी होंगे वो राजर के ही आदमी होंगे, यकीनन जानू और उसके साथी होंगे। आमतौर पर ये लड़की डील की मुखबरी करके अपना कमीशन ले लेती है,
लेकिन इस बार वो खुद काम कर रही थी, तो फिर कंट्रोल उसका होगा। इसलिए आप और आपके आदमी और आपका मेहमान सब बच गए, वरना अगर जानू या उसके साथी इस डील को कवर कर रहे होते तो फिर आप सब लाशों में तब्दील हो चुके होते, जाबिर ने कहा। क्या इस टाइगर का ताल्लुक वाकई हुकूमत से है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, असलम किंग ने पूछा। जी नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, उसका कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। अलबत्ता अक्सर सुना यही जाता है कि वो हुकूमत के लिए काम करता है, लेकिन कभी इस बात का सबूत नहीं मिल सका, जाबिर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, असलम किंग ने कहा और क्रेडल दबा दिया। फिर ट्यून आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मास्टर बोल रहा हूँ। रब्ता कैम होते ही एक करक सी आवाज सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ, असलम किंग ने कहा। ओह किंग साहब, आप हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। राजर ग्रुप के बारे में जानते हो, असलम किंग ने पूछा। हाँ क्यों, मास्टर ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। इस ग्रुप में कितने आदमी हैं, असलम किंग ने कहा। खास आदमी तो जानू है, और जानू के साथ 8 आदमी हैं, मास्टर ने जवाब दिया। और रोजी रास्कल, उसके बारे में भी जानते हो, असलम किंग ने पूछा। हाँ वो राजर की मुखबर है, रोज क्लब की मालिका है, ये क्लब भी राजर ने ही उसे खरीद कर दिया हुआ है, मास्टर ने जवाब दिया। इस राजर ग्रुप ने मेरी डील पर छापा मारा है, 50 करोड़ रुपए का सोना और 50 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर ले गए हैं, होटल आलिशान के स्पेशल तहखाने से। रोजी रास्कल इस छापे की इंचार्ज थी। तुम ऐसा करो कि ये सोना और ये रकम भी उनसे हासिल करो, और सिवाय उस रोजी रास्कल के बाकी राजर ग्रुप और उसके तमाम आदमियों को हलाक करके उनकी लाशें पॉइंट 4 में पहुंचा दो, जबकि रोजी रास्कल को वहां जिंदा पहुंचना चाहिए। फौरन हरकत में आ जाओ, असलम किंग ने गुस्सीले लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी, आप कहां से बोल रहे हैं ताकि आपको रिपोर्ट दी जा सके, मास्टर ने कहा। मैं इस वक्त पॉइंट 3 पर हूं, असलम किंग ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तस्वीरात नुमाया हो गए थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।